हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इस लेक्चर में हम सीखेंगे 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन। अगर आपको पहले 11th में अगर आपने डिफरेंशिएशन सीखा है बेसिक्स जो था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लेक्चर ऐसा होने वाला है जिसमें आपको डिफरेंशिएशन A to Z सारा टॉपिक मिलेगा, और अगर अभी तक आपको कुछ नहीं आता डेरिवेटिव्स का तो इस लेक्चर के बाद जो डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के मेरे जो पार्ट्स होंगे इस पूरे चैप्टर के ऊपर, वो देखने के बाद आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे डिफरेंशिएशन में। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस की, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई एक बड़ा टास्क है, समझो कोई एक बड़ा काम है, तो हम क्या करते हैं उस काम को पूरा करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, यानी एक बड़े काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया, डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। इसी का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। वो क्या होता है, जो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको कंबाइन करते हैं तो पूरा मिला के वो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। जो इसके बाद जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है मैथ्स 2 में, वो उसमें हम देखेंगे डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन करना, इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना। अब ये डेरिवेटिव क्या है, जैसे कि कोई एक फंक्शन है उस फंक्शन का हम लोग फार्मूला यूज़ करके डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बट डेरिवेटिव है क्या एक्चुअली, तो एग्जांपल के जरिए देखेंगे। मान लो कि एक फैक्ट्री है जो शुगर फैक्ट्री है, जो शुगर बनाती है। तो शुगर कैसे बनता है ये आपको मालूम ही है, खेतों से जो गन्ने होते हैं वो किसान बेचते हैं फैक्ट्रीज़ को, उस गन्ने से गन्ने का रस निकाल के उसको ड्राई करके प्रोसेस करके शुगर बनता है। तो एक तरफ से क्या हुआ, गन्ने से शुगर बना, तो हम क्या कहेंगे जो शुगर है वो उस गन्ने का डेरिवेटिव है, यानी उस गन्ने से पाया गया। तो डेरिवेटिव ये वर्ड होता है, आपने डिक्शनरी में भी देखा होगा इस तरह से। तो अब हमारे जो चैप्टर में डिफरेंशिएशन का मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना यानी डेरिवेटिव निकालना, तो किसी भी एक फंक्शन का करना होगा। हमें मैथ्स में अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, तो किसी एक फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या तो कहा जाएगा डिफरेंशिएट दी फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या तो जो भी वेरिएबल होगा एक्स हो सकता है, मेनली एक्स लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है। अब ये किया कैसे जाता है कि जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो या डेरिवेटिव लेना हो, तो हमारे पास बेसिकली बहुत पहले एक मेथड था जो था फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना यूजिंग लिमिट्स, जो आपने 11th स्टैंडर्ड के डिफरेंशिएशन चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते थे लिमिट का यूज़ करके, जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। एक छोटा सा भी फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव निकालना एक से दो पेज बहुत जाता है आंसर का जो प्रोसेस है वो। लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, वो है फॉर्मूला मेथड। बाद में चल के डिफरेंशिएशन के ऊपर टेक्निक्स आई, फॉर्मूले डिराइव किए गए। तो अब क्या है कि अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता है, यानी जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं बेसिक फंक्शंस, उनके जो फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए, तो आप इजीली किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। इसमें और भी कुछ आगे आगे एडवांस चीज़ें हैं, जैसे कि जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव निकालते समय अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि दो फंक्शन एक साथ प्लस करके आए हैं या माइनस करके आए हैं, या दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके आए हैं, या दो फंक्शन डिवाइड में आए हैं, तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना। अगर कोई एक फंक्शन है वो किसी और फंक्शन का फंक्शन है, जो आपने 11th में फंक्शन चैप्टर में सीखा था कि फॉग FOG फंक्शन FX of GX, कोई एक फंक्शन है वो किसी और फंक्शन का फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, तो उसका किस तरह से डेरिवेटिव निकालना। अगर कोई फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, वो सब हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। लेकिन आज जो ये स्टार्ट हो रहा है डिफरेंशिएशन, इसमें मैं A to Z बेसिक से बताऊँगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। वो तो थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, अब बेसिक से हर एक फॉर्मूला, अगर आपको पहले डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं आता था तो भी आ जाएगा। इस लेक्चर को ध्यान से पूरा देखिए और आप नोटबुक और पेन लेके रखिए, मैं जो भी बताते जाऊंगा उसको लिखते भी जाइए स्टॉप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से और डेरिवेटिव से कि कैसे क्या होता है। कोई एक फंक्शन इस तरह से हो सकता है fx, फंक्शन fx 2x² + 3x + 5। तो ये एक अलजेब्रिक टाइप का फंक्शन है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफरेंशिएट, इस तरह से लिखा होगा हमेशा याद रखो, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्वेश्चन का टाइप होगा. पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको यही दिखेगा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हर बार यही दिखेगा. तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना मतलब डेरिवेटिव लेना है. इसका मतलब क्या, ये जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन के डेरिवेटिव अगर मुझे डिनोट करना है, ये फंक्शन है, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, या वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं इस फंक्शन को, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव. तो इस फंक्शन को या तो एफ एक्स लिखते हैं या तो वाई लिखते हैं. वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, या तो एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो क्या करना होता है, जो फंक्शन है उस फंक्शन के डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं. ये डैश का मतलब क्या, डेरिवेटिव. इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स. उसी तरह से अगर ये वाई है, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वाई और डैश देना, इस तरह से. इस डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव. लेकिन इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे वाई है, वाई का डेरिवेटिव लिखना है तो डेरिवेटिव डी, डेरिवेटिव ऑफ वाई, और विथ रेस्पेक्ट टू क्या है देखो, एक्स, तो अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स. याद रखो डेरिवेटिव के लिए हमेशा डी बाई डी एक्स, यानी डी अपॉन डी एक्स. जिसका भी डेरिवेटिव निकाल रहे हो उसके आगे, उसके साथ इसको चिपका देना है, डी बाई डी एक्स. अगर मुझे किसी जेड का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ जेड, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ वाई. तो दो तरीका होता है डेरिवेटिव डिनोट करने का, एक तो डैश मेथड, हम उस फंक्शन के ऊपर डैश लगा देते तो वो डेरिवेटिव हो गया, और दूसरा उसके पहले डी अपॉन डी एक्स लिख दिए. यहाँ इसको भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखा होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स. तो सबसे पहले अभी तक आपने सीखा कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है तो उसको डिनोट कैसे करते हैं. अब जो ये डेरिवेटिव निकालने का पहला मेथड है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ये मैं अभी नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी हमें ट्वेल्थ में यूज़ नहीं है. ये पहले यू होता था, लेकिन इसके बाद सब फॉर्मूला मेथड आ गया, तो अब इसका यूज़ नहीं होता. लेकिन 11th स्टैंडर्ड के बुक में फर्स्ट प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 11th क्लास, क्लास 11 डिफरेंशिएशन जो प्लेलिस्ट है, उसमें जो पहला पार्ट है वीडियो का, वो जाके देखिए, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किया जाता है. लेकिन 12th के लिए उसका यूज़ नहीं है, तो वो नहीं भी सीखोगे तो चलेगा. तो अभी जितना मैं बता रहा हूँ वहाँ से देखो, हम लोग फॉर्मूला मेथड से करेंगे. अभी ये जो हो गया डिफरेंशिएशन के टाइप, लेकिन जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जैसे कि मैंने बताया ये अलजेब्रिक फंक्शन है. फिर एक शॉर्ट में आपको ट्रिक देता हूँ, एल आई ए टी ई, ओके, ये एक है, इसको ध्यान रखो, लीएड बोलते हैं हम लोग. तो ये क्या डिनोट कर रहा है, फंक्शन के टाइप्स. एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, आई इनवर्स फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक याद रखना चाहिए कैलकुलस पार्ट के लिए. कैलकुलस मतलब क्या, जिसमें हम लोग लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सीखते हैं, उसको कैलकुलस मैथ्स बोलते हैं. तो हम लोग कैलकुलस कर रहे हैं, ठीक है. तो अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, जैसे कोई एक फंक्शन है लॉग 2x प्लस 3, तो इसको हम बोलेंगे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है. इनवर्स फंक्शन मतलब कैसे होगा, समझो साइन इनवर्स 5x, तो ऐसा कोई फंक्शन है तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है. अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ये जो मैंने दिया ना ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे इस तरह से है, टेन 5x प्लस 3, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होगा, इस तरह से समझो, e रेस टू 2x प्लस 7, तो इसमें e रेस टू x आता है, या तो समझो a रेस टू 5x प्लस 3, a रेस टू आएगा, e फिक्स होता है, a जो है बदलता है, a की वैल्यू कुछ कांस्टेंट हो सकती है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से. तो इनको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं. ये जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो डिफरेंशिएशन सीखने के पहले आप थोड़ा सा फंक्शन का ये बेसिक है इसको याद रखना है. ये जो लिएट इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसका यूज़ है इंटीग्रेशन में, वो आपको बाद में काम आएगा, बट अभी इस तरह से इतने फंक्शन होते हैं बेसिकली, याद रखो. अब हर फंक्शन के लिए अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करते हो तो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है. तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आओ चलो अलग अलग फंक्शंस के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ. शुरू करते हैं बेसिक जो फंक्शंस होते हैं उनके फॉर्मूले से. तो सबसे पहले बता दूँ, सी एक फंक्शन यहाँ पर मैं इस कॉलम में लिख रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम में, एंड सेकंड कॉलम में आएगा एफ डैश एक्स, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव. तो चलो सबसे पहले कांस्टेंट, कांस्टेंट सी मतलब क्या, कोई भी एक नंबर है,
कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज़ें होती है, याद रखो, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसका भी मैं आपको बेसिक बताता हूँ। कांस्टेंट का मतलब वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल मतलब वो होता है जो हमेशा बदलते रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो वेरिएबल होता है। अब इन फंक्शंस के अंदर समझो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसके अंदर एक्स वेरिएबल होता है। एफ एक्स मतलब एक्स वेरिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने बोला गया है, एक्स वेरिएबल है। तो जब भी एक्स वेरिएबल होगा तो यानी कि वो बदल रहा है, तो उसी के लिए फॉर्मूले आपको यूज़ करने पड़ते हैं। और जिसमें एक्स नहीं होता है, अगर एक्स वेरिएबल है तो, अगर एक्स नहीं है तो मतलब उसे कांस्टेंट माना जाता है। जैसे कि 5x, तो इसके अंदर एक्स है तो ये वेरिएबल है, यानी इसका हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ओनली 5 है, 5 में एक्स नहीं है, इसलिए 5 को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और जो भी कांस्टेंट होते हैं उसको हम, उसका डेरिवेटिव जो है डायरेक्ट ज़ीरो लिखते हैं, ये याद रखना है। कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ज़ीरो आता है। कैसे पहचानोगे कांस्टेंट है या नहीं, उसमें जैसे कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोला है तो एक्स वेरिएबल है, तो एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैं और धीरे धीरे बताऊंगा तो आपको समझेगा कांस्टेंट का कंसेप्ट जो होता है। अभी दूसरा है एक्स रेस टू एन। एक्स रेस टू एन मतलब क्या, ध्यान से देखो, ये इस तरह से होता है एक्स रेस टू एन। ये जो एक्स रेस टू एन है वो इस तरह से हो सकता है, एक्स रेस टू थ्री हो सकता है, एक्स रेस टू फाइव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर कुछ है x के पावर में कुछ है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये जो x रेस टू n है ऐसे ही रखना है, इसका जो n होता है पावर वो आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से माइनस वन करना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है x रेस टू n, यानी क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x n आगे आ जाएगा, n मल्टीप्लाई x रेस टू n माइनस वन। ये बेसिक फार्मूला है, जितने भी अल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे उसके लिए हमेशा ये काम आएगा। इसी के बेसिस पे रूट x का फॉर्मूला है। रूट एक्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया। रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेस टू हाफ, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से ये हाफ आगे आ जाएगा हाफ, और एक्स रेस टू हाफ माइनस वन, एंड ये हो जाएगा हाफ, एक्स रेस टू हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, सो हाफ, ये एक्स रेस टू माइनस हाफ नीचे आया तो एक्स रेस टू प्लस हाफ 1/2। एक्स रेस टू हाफ क्या होता है, एक्स रेस टू हाफ मतलब रूट एक्स, तो आया ना। तो मतलब इसको अब इतना हर बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हर बार इतना सॉल्व करके थोड़ी दिखाने का, अगर ये आया तो रूट एक्स आया तो, आप डायरेक्ट याद रखो रूट एक्स है तो 1/2 √x डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे 1/x होगा, उसके पहले लॉग एक्स बता देता हूँ। जो लॉग एक्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेम ऐसे ही करोगे, जैसे 1/x है तो 1/x है तो x रेस टू 1 है, तो 1/ हटाएंगे तो x रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो फिर ये x रेस टू n का बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया, तो माइनस 1 इंटू x रेस टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू x रेस टू माइनस 2 एंड माइनस 1/ ये x रेस टू माइनस 2 नीचे आया तो एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है -1/x² का। लेकिन आप बार बार इतना सॉल्व करोगे क्या, बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट याद रखो 1/x जहाँ भी होगा उसको रिप्लेस करोगे -1/x² से। अब आगे देखते हैं e^2x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव सेम होता है, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी e^2x आए खुश हो जाने का कि इसका डेरिवेटिव तो सेम ही है। e^2x क्या होगा, इसका डेरिवेटिव देखो e होगा, तो e मतलब कभी बदलता नहीं है, e वही रहता है, तो एक तरह से कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट नहीं है e, ठीक है। तो e जो है, ये e^2x का डेरिवेटिव e^2x होता है। अब a^2x मतलब क्या है, देखो a कांस्टेंट है, a कोई नंबर होगा, ऐसे आएगा 3^2x 5^2x ऐसे होगा, तो a के बदले दूसरा कुछ नंबर होगा, यहाँ e के बदले नंबर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, a^2x को ऐसे ही रखना है a^2x, लेकिन ये नंबर है इसलिए इसका लॉग निकाल के मल्टीप्लाई करना है, लॉग a। तो ये क्या हुआ, ये टेबल सिर्फ याद रखना है, आप इस टेबल्स को लिख लो अपने नोटबुक में, अभी फ़िलहाल यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद रखना, ये बेसिक फॉर्मूले है डेरिवेटिव के। जब भी आप डेरिवेटिव करोगे, 11th का करो, 12th का करो, या NCERT CBSE कहीं का करो, देश दुनिया का डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये फॉर्मूले बेसिक आपको आने ही चाहिए, नहीं तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। अभी मैंने आपको थोड़े बहुत बताया एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अल्जेब्रिक। अभी मेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनके भी डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे हमने अभी बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले सीखे बेसिक फंक्शंस के, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमेशा आपको याद रखना चाहिए। क्या है देखो, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, ये याद रखना। अभी यहाँ पर माइनस साइन कहीं कहीं आएगा, मैं बताता हूँ उसको कब आएगा। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, ये आपको याद रखना है, सब फॉर्मूलेज है। कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरह से डेरिवेटिव के फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे। अब होता क्या है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, यहाँ पर कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री में माइनस आता है डेरिवेटिव में, किस में आता है? तो यहाँ देखो मैंने सी को अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट हो रहा है कॉस कॉट कोसेक, उसका जो आंसर होगा निगेटिव आएगा, उसके आंसर में माइनस आएगा, इसके अंदर माइनस आएगा, ठीक है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के जरिए देखते हैं। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर टाइम्स एक्स रेज टू फाइव, या तो एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन एक्स, और हमें कहा गया इसका डेरिवेटिव निकालो। तो हम कैसे करेंगे, ये जो 4 इंटू एक्स रेस टू 5 है, एक तरह से देखा जाए तो समझो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट भी ले लेता हूँ साथ में 3। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो प्लस 3 है इसमें x है क्या? नहीं, तो वो एक कांस्टेंट है। यहाँ क्या है, 4 इंटू एक्स रेस टू 5, ये जो 4 है वो भी एक कांस्टेंट है। और मैंने क्या सिखाया, जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अभी टेबल में आपने देखा था, तो 4 इंटू एक्स रेस टू 5 इसका डेरिवेटिव पहले निकाल दें। देखो अब ये जो x रेस टू 5 है, इसका आपने क्या सीखा, 5 x रेस टू n फॉर्मूला याद करो। x रेस टू n क्या था, ये जो n आगे आ गया था और x इस n में से 1 माइनस की। मैं चाहूँगा कि आप जो है अभी तक जितने फॉर्मूले मैंने बताया इस वीडियो को पाउज करके पहले वो याद कर लो और फिर आगे देखो, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। x रेस टू n का ये फॉर्मूला भी आपने सीखा था, तो हम क्या करेंगे, x रेस टू 5 है तो कैसे होता है, एक्स रेस टू 5 को ऐसे ही लिखते हैं और 5 आगे आ जाता है और इस 5 में से 1 माइनस करते हैं। बट इस 4 का क्या, तो जो 4 है ना वो इसका कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट मतलब क्या है, देखो इसको ब्रैकेट कर रहा था, ये इस तरह से प्लस 3 है, ये 4 कोएफिशिएंट है। जब कोई किसी फंक्शन के साथ चिटका होता है इस तरह से मल्टीप्लाइड होता है तो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये 4 एक्स के साथ है तो 4 को आपको एज इट इज़ लिखना है, 4 इंटू है तो 4 इंटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, याद रखो डेसिमल नहीं है। प्लस अब ये जो 3 है उसमें x है ही नहीं, x का मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं, वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, अभी मैंने आपको बताया था। अब क्या होगा, इक्वल 4 इंटू 5 20 एक्स, 20 इंटू एक्स, और 5 माइनस 1 क्या हो गया 4, और प्लस 0 हटा दो। तो इस तरह से किसी फंक्शन का हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिखना चाहिए। और ये जो एफ एक्स है इसको आप एफ डैश एक्स लिखते हो, क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, इस तरह से। मान लो ये जो फंक्शन है एफ एक्स नहीं होके वाई है तो कैसे करेंगे, वाई वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे पूरा डिफरेंशिएटिंग, पूरा लिखो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जो लाइन है ये हर बार पूरे चैप्टर में आपको लिखना है। किसी भी फंक्शन का जब भी आप डेरिवेटिव लेने जाओगे तो आपको उस फंक्शन के बाद ये लाइन लिखनी है, इस तरह से पूरा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू, इसको डब्ल्यू आर टी हमेशा लिखने का, पूरा नहीं लिखना विथ रेस्पेक्ट टू, इसको सिर्फ डब्ल्यू आर टी लिखना और डिफरेंशिएटिंग पूरा लिखना। तो अब क्या होगा, इसका डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव आप वाई डैश लिख सकते हो, या तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे तो दोनों भी मेथड चलेगा, इज इक्वल टू। अब थ्री जो देखो टेन एक्स में एक्स है तो वेरिएबल है तो उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, बट जो थ्री है ये इसके साथ कोएफिशिएंट है तो उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। जो टेन एक्स है उसका डेरिवेटिव आपने याद किया था सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग ऐसे निकालते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं अगर वो अलग से आएंगे, अकेले आएंगे तो वो कांस्टेंट होते हैं, उनका डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन किसी फंक्शन के साथ वो अटैच होंगे तो उसको वैसे ही रख के मल्टीप्लाई करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऑपरेशंस ऑन फंक्शन यानी अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस डेरिवेटिव लेते समय कैसे हम लोग कर सकते हैं। अलग अलग ऑपरेशंस देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि कोई अगर एक फंक्शन है इस तरह से y इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, यहाँ पर देखोगे दो अलग अलग फंक्शंस आए हैं। पहला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है,
दूसरा भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अगर दो फंक्शन प्लस हो क्या है, अब डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करना पड़ता है, तो आप क्या लिखते हो, डिफरेंशिएटिंग, इस तरह से पूरा लिखना होता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखना, फिर इस फंक्शन वाई का डेरिवेटिव लेना, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेना मतलब वहाँ पर उसके आगे हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, और इसका भी डेरिवेटिव लेना है। एक तरह से मैं ऐसे बताता हूँ, पहले पहले हम डेरिवेटिव पूरे का लिखेंगे, टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, यानी क्या हुआ, ध्यान से देखो, इस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये। अब क्या होता है कि ये जो d बाई डी एक्स है ब्रैकेट के अंदर जाएगा और दोनों के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस, अब ये डेरिवेटिव sin x के पास भी जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ sin x। इसी को मैंने क्या बताया, एडिशन, कि अगर दो फंक्शंस का एडिशन है तो हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है वो सबके पास लेके जा सकते हैं, इस तरह से होता है। और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो 3 आगे आएगा और 2 में मल्टीप्लाई हो गया, 2 3 6 एक्स, और 3 में से 1 माइनस किया तो 2, जो फार्मूला मैंने सिखाया एक्स रेस टू एन वाला फार्मूला, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये क्या आया, डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरह से अगर कोई दो फंक्शन सम के फॉर्म में आते हैं, इस तरह से प्लस के फॉर्म में या ऐड होकर आते हैं, तो हमको क्या करना है, उस वाई या तो एफ एक्स का डेरिवेटिव लेते समय हर एक का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स सबके पास जा सकता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है, सपोज कोई एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स, इस तरह से कोई एक फंक्शन है, यहाँ पर माइनस है, समझो सब्ट्रैक्शन है माइनस, तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले आप लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ये लिखा था मैंने वैसे, और आप वाई के पास डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो, और यहाँ पर इसका डी बाई डी एक्स करके ई रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स ऐसे करते हो, ठीक है। तो अब जैसे ये प्लस में हुआ था वैसे माइनस में भी होता है, जो डी बाई डी एक्स है वो अंदर सबके पास जाता है, तो ये डी बाई डी एक्स क्या होगा, अंदर सबके पास जाएगा, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स इस तरह से माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स के पास आया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। और एक बात याद रखो, जिसके भी पहले डी अपॉन डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स बोलते हैं, बाय यानी अपॉन, डी बाई डी एक्स जिसके भी पहले होगा मतलब उसका फॉर्मूला यूज़ करके डेरिवेटिव लेना है, तो e रेस टू एक्स के पहले डी बाई डी एक्स है मतलब डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव आपने सीखा था यही होता है सेम e रेस टू एक्स का, और log x का डेरिवेटिव आपने सीखा था 1/x होता है, तो ये हमें मिल गया डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब याद रखो कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस के फॉर्म में आए या माइनस के फॉर्म में आए, तो उनका डेरिवेटिव निकालते समय हम जो डी बाई डी एक्स है सबके पास देते हैं और सबका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर मल्टीप्लिकेशन है किसी भी दो फंक्शन का तो कैसे डेरिवेटिव निकालना। अब मान लो कोई भी दो फंक्शन है जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आए हैं, एफ एक्स लिखता हूँ, वाई भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, इस तरह से दो फंक्शन है और दोनों के बीच में डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाए, तो सबसे पहले आप लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है पूरा। इसके बाद आप एफ एक्स को एफ डैश एक्स कर सकते हो, ओके। और यहाँ पर क्या करना है, अब फॉर्मूला यूज़ होगा, पहले आप यहाँ लिख दो डी बाई डी एक्स, यहाँ डैश नहीं करना है, यहाँ डी बाई डी एक्स लिखना है, यहाँ भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स या तो डैश, क्या है साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, जैसे प्लस और माइनस के साथ हुआ था वैसा कर सकते हैं क्या, मतलब ये डेरिवेटिव साइन एक्स के पास चला जाएगा इंटू डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स के पास जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लस माइनस के साथ जो हुआ था वो नहीं करना है। यहाँ पर देखो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, मान लो कि ये पहला फंक्शन जो है यू है और दूसरा फंक्शन वी है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक रूल अप्लाई करने वाले हैं, यू इंटू वी रूल, यू इंटू वी रूल, याद रखना है आपको यू वी रूल। क्या रूल होता है, अगर दो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, यू डॉट वी रूल लगाते हैं, मतलब क्या कि यू, पहले यू को ऐसे ही लिख देंगे, फिर ये डेरिवेटिव वी का, डेरिवेटिव ऑफ वी, फिर प्लस, फिर वी को ऐसे ही लिख देंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना है आपको, यू इंटू वी रूल क्या है, जब भी प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन दो फंक्शन का होता है तो सबसे पहला फंक्शन आप ऐसे ही लिखते हो, देन दूसरा जो फंक्शन है v उसका डेरिवेटिव, प्लस जो दूसरा फंक्शन v है उसको ऐसे ही लिखते हो,
फिर जो पहला फंक्शन u था उसका डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये u इंटू v रूल का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, इसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो कैसे होगा देखो, अब ये हमारा जो सबसे पहले साइन x है वो u है और e रेज टू x है वो v है। इस तरह से आप समझ के रखो u v। तो h बार फॉर्मूला जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या कहता है डेरिवेटिव u इंटू v में, u पहले ऐसे ही रखना, मतलब जो u हमारा साइन x है वो ऐसे ही रखेंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है। देन d बाय डी एक्स लिखना है, डी बाय डी एक्स। देन v, v मतलब क्या हमारा e रेज टू x प्लस, फिर v ऐसे ही रखना, v यानी क्या e रेज टू x इंटू डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। यू जो है क्या है देखो साइन x। अब जिसके भी पहले d बाय डी एक्स है उसका ही डेरिवेटिव निकालना। देखो ये साइन x का डेरिवेटिव नहीं निकालना, क्यों नहीं निकालना, उसके पहले d अपॉन डी एक्स नहीं है तो जो जिसके पहले कुछ नहीं है वो ऐसे ही रह जाएगा। अब e रेज टू x के पहले डेरिवेटिव है और e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, वही होता है हमने सीखा था फॉर्मूले में, प्लस e रेज टू x के पहले d अपॉन डी एक्स नहीं, इसको ऐसे ही रख दो। अब ये जो साइन x है इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x आपने याद किया था cos x होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या हो गया देखो, ये इस तरह से आ गया, दोनों में देखोगे e रेज टू x कॉमन है वो कॉमन ले लो e रेज टू x, और यहाँ क्या आ गया साइन x प्लस cos x। तो ये हो गया आपका फंक्शन का डेरिवेटिव। इस तरह से u इंटू v रूल होता है जो आपको अप्लाई करना चाहिए और ऐसे आंसर निकालना चाहिए u इंटू v रूल से। आओ चलो अगला जो रूल देखते हैं वो है डिवीजन के लिए, यानी अगर डिवीजन में कोई दो फंक्शन है तो कैसे किया जाए, यानी कि u अपॉन v रूल भी इसको आप बोल सकते हो, u अपॉन v रूल। कोई दो फंक्शन डिवीजन में है, मान लो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लेता हूँ fx इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लेता हूँ log x अपॉन, यहाँ पर हम लेते हैं समझो x स्क्वायर। इस तरह से दो फंक्शन ले लिया हमने log x अपॉन x स्क्वायर, ईजी फंक्शन लिया ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर ये u अपॉन v के रूप में दो अलग अलग फंक्शन डिवीजन के रूप में आए हैं, तो आपको कैसे करना पड़ता है, आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर यहाँ पर एफ एक्स का डेरीवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, फिर क्या करेंगे इसका डेरीवेटिव, डेरीवेटिव ऑफ वॉट log x अपॉन एक्स स्क्वायर। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, डेरिवेटिव सबके पास लेके चले गए थे प्लस माइनस के पास, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं हुआ था, u इंटू v रूल लगा था, और डिवीजन में भी वैसा नहीं होगा, u अपॉन v रूल लगेगा। ये रूल क्या कहता है u अपॉन v रूल, जो आपको याद रखना है कि जैसे कोई फंक्शन है उसका जो डेरीवेटिव निकालोगे u अपॉन v का, अगर ये एफ एक्स है u अपॉन v, तो कैसे आता है सबसे पहले v लेना पड़ता है, v इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू, वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू माइनस आता है, देखो यू इंटू वी में प्लस आया था इसमें माइनस आता है, फिर यू डेरीवेटिव ऑफ वी, यानी पहले वी लोगे फिर यू का डेरीवेटिव माइनस फिर यू अपॉन यू इंटू इस वी का डेरीवेटिव, और पूरे का अपॉन करना पड़ता है, ये जो वी है उसका स्क्वायर करना है। तो ये पूरा जो है फॉर्मूला हो गया, ये पूरा फॉर्मूला हो गया यू अपॉन वी के लिए। अब सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करना है, वी जो नीचे डिनोमिनेटर में वो पहले लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यू, यानी न्यूमरेटर जो लॉग एक्स है, देन फॉर्मूले का माइनस, देन यू मतलब न्यूमरेटर ऊपर जो है लॉग एक्स, देन डेरीवेटिव ऑफ वी, वी कौन है देखो यहाँ पर, यहाँ जो डिनोमिनेटर होता है ये एक्स स्क्वायर, और अपॉन वी स्क्वायर, वी यानी नीचे एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर, इक्वल जो है हमेशा यहाँ देना चाहिए। अब क्या करेंगे देखो, इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव क्या आ जाएगा टू एक्स, ये टू पहले आ जाएगा एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर टू पहले आ गया टू एक्स, और यहाँ टू में से वन माइनस किया तो टू एक्स, और टू माइनस वन वन, तो वन नहीं लिखे तो चलेगा, तो ये आ चुका है। तो ये आपका हो गया है यहाँ पर जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, अगर कुछ कॉमन आता है तो निकाल सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रख सकते हो। तो अभी तक आपने क्या सीख लिया कि कोई जो फंक्शन होता है कितने टाइप्स के हो सकते हैं,
उसका बेसिक रूल क्या है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, बेसिक फॉर्मूले, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, उसके बाद मैंने आपको अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन बताया कि अलग अलग जैसे प्लस में है तो कैसे डेरिवेटिव करना, माइनस है तो कैसे करना, यू इंटू वी कैसे करना और यू अपॉन वी होगा तो कैसे करना, यानी मल्टीप्लीकेशन और डिविजन वाले भी बताए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेसिक में कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं और उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे ट्वेल्थ के अंदर जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आएंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में ये कंपोजिट फंक्शंस होते हैं और उसमें ये ट्रिक यूज़ होता है जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, मान लो कोई एक फंक्शन है जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स किसी फंक्शन का फंक्शन है, मतलब ऐसे लेते चलो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, ओके ये आपने 11th में सीखा था फंक्शन चैप्टर में, एफ ओ जी, जी ओ एफ यानी फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ जी एक्स, जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ओके ऐसे होता है। तो क्या करना पड़ता है, अगर मुझे वाई का डेरिवेटिव लेना है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, देन ये जो जी है उस जी का भी डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। मान लो कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन है लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स, इस तरह से। अभी आप जनरली जानते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है जैसे लॉग फंक्शन, तो लॉग एक्स होता है और उसका डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स करते हैं, लेकिन यहाँ लॉग के साथ एक्स होना चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अगर फंक्शन है एक्स, वेरिएबल एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो एक्स के लिए फॉर्मूला, तो ये लॉग अगर यहाँ एक्स होगा लॉग एक्स तो इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होगा, लेकिन यहाँ तो एक्स है नहीं, यहाँ तो ई रेज टू एक्स है, तो ये ऐसा फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। और इसको डेरिवेटिव कैसे लेना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एफ एक्स का फंक्शन डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। अब क्या करना है ना, ऐसे टाइम पर आप ऐसा समझ लेते हो, मान लेते हो कि जो e रेज टू x है वो x है, इसको हमने क्या मान लिया कि वो x है, तो अब ये क्या हो जाएगा log x, जो मैंने हाथ से छुपाया है वो x है समझो, log x, और log x का डेरिवेटिव आपने क्या याद किया है, वन अपॉन x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन अपॉन, बट वो क्या था x के बदले, e रेज टू x, तो ये जो x है उसके बदले आप क्या रखोगे, जो था वो, यानी जो जहाँ भी x था वहाँ पर e रेज टू x लिखना है। लेकिन अभी मैंने किसको x माना था, e रेज टू x, उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है, वापस से डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स और उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कोई फंक्शन है अगर लॉग एक्स होना चाहिए था लेकिन एक्स के बदले दूसरा कुछ है, तो आप उसे एक्स समझ के ही डिफरेंशिएट करो, फॉर्मूला यूज़ करो, लेकिन जिसको एक्स समझा था उसका वापस से डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, कैसे आ जाएगा ये वन अपॉन ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ही होता है, और आगे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल होकर वन आया, जरूरी नहीं वन आएगा कट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, मान लो एक एग्जांपल है वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, इस तरह से एक एग्जांपल है मान लो एक, ओके और हमें बोला इसका डेरिवेटिव निकालो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव निकालना है, टैन का डेरिवेटिव बेसिकली आपको याद है क्या था, टैन का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स था, याद आ रहा होगा आपको, टैन का डेरिवेटिव टैन एक्स होगा, टैन एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, बट यहाँ टैन एक्स होना चाहिए था, एक्स के बदले तो पूरा एक ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे इस पूरे ब्रैकेट को x मान लो और tan x उसका डेरिवेटिव क्या था sec स्क्वायर x, तो आप क्या करोगे tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो x था x के बदले तो दूसरा कुछ था, तो यहाँ x के बदले जो था वो लाना है sec स्क्वायर, जो था वो 2x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना पड़ेगा, अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसका मल्टीप्लाई, ये जो x के बदले आपने लिया था ना उसका डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह से क्या किया आपने, जिसको आपने x समझा था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा आंसर, थोड़ा इधर लिखता हूँ, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये तो है
फिर इन टू इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का टू यहाँ आके मल्टीप्लाई, टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव होता है, जिसके साथ भी एक्स हो वो हट जाता है और फाइव एक्स का फाइव आएगा, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री होता है, टू एक्स का डेरिवेटिव टू होता है, ऐसे याद रखो। अब ये देखो ये ट्री को ये अल्जेब्रिक डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन कभी भी ऐसे अल्जेब्रिक जो होता है ना, जैसे सेक्स स्क्वायर का ये एंगल है तो ये भी ऐसे लग रहा है दोनों भी एंगल है, ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको अलग रखना चाहिए, इसको पहले रखना चाहिए। फोर एक्स प्लस फाइव आगे लिख दो, फिर इन टू सेक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ओके ये अलग से था, इसको हमने आगे ले लिया, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव आ चुका है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, जिसमें क्या होता है, जो दिया हुआ क्वेश्चन है किसी और फंक्शन का फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, जो मेन फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उस फंक्शन में एक्स के बदले जो भी आया था उस फंक्शन का वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हुआ कंपोजिट फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंशिएशन जो है उसके बेसिक कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूलेज होते हैं। इसके बाद जो आगे है ट्वेल्थ के अंदर, अब हमें सीखना है ट्वेल्थ का बेसिक कि जो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे कि अभी कंपोजिट तो मैंने बता दिया है, उसके बाद जो इनवर्स फंक्शन होते हैं साइन इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स, उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, उसके बाद जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, यानी कि जो ऐसे फंक्शन जो जिसके पावर हायर पावर्स होते हैं या रूट में होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ता है। उसके बाद कुछ लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, लॉग के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शन आएंगे तो उसको कैसे करना, और फिर एक पैरामेट्रिक फंक्शन होता है, ओके तो वो कैसे करना, ये सब हम देखेंगे। और फाइनली हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव के डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, वो लास्ट है। तो इतना जो कंसेप्ट बाकी है ट्वेल्थ का जो है, और बाकी जो इलेवेंथ और ट्वेल्थ का मिला के पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर है, मतलब डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक, इसका हमने समझो कि 40-50% कवर कर लिया है। अगर ये सब जो आज का लेक्चर में मैंने सिखाया है आज, वो सब अगर आपको आता है तो आपको जो है आगे डिफरेंशिएशन के जितने भी कंसेप्ट बचे हुए हैं वो पूरा आ जाएगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। और ये आप अच्छे से सीख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो और हर एक फॉर्मूले को याद कर लो। स्टूडेंट्स, आज मैंने डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है, इसके पहले मैंने मैथ्स वन के लॉगरिथम और मैट्राइसिस दो चैप्टर कवर किए हैं। ये चैप्टर जल्दी से खत्म करके और भी मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आप लोग इस चैनल से बने रहें, अगर आप इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप्स वगैरह, उसमें भी इन वीडियोज़ को फॉरवर्ड करो, ताकि वो भी घर बैठे ये जो है सब कुछ सीख पाएँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।